हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सिंगरौली जिला से है, जहां लोकायुक्त पुलिस सहायता केंद्र के आरक्षक शिव कुमार पनिका का ही रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिन। अपने का बताई के प्रधान आरक्षक 10,000 रुपया के मांग करे रहे, जहां 5,000 रुपए पहले ले चुके रहे, वह बची 5,000 रुपया लेते के गिरफ्तार कर लिन गे। अपनो देखी कार्रवाई। बुलेटिन की अगली खबर नईगढ़ी थाना क्षेत्र से है, जहां जोधपुर में अमृत तालाब निर्माण की देखरेख करे वाले इंजीनियर हरीश शर्मा के स्कॉर्पियो दू जने का राउंड दिहिस। डोने माही जोधपुर के कमलेश उपाध्याय दम तोड़ दिहिन, जबकि सोनू उपाध्याय संजय गांधी अस्पताल में ही जिंदगी और मौत के बीच में झूलत लाघमा। बतावागा कि अभियंता हरीश शर्मा खुद ये समय गाड़ी चलावत रहे। हे भैया, खून गिरला है भाषा से हो, खून गिरला है भाषा से हो। रीवा माही शिक्षा विभाग के सम्मेलन के मांग कलई के आजाद अध्यापक संघ रीवा के बैनर में लगातार चलाई वाला धरना अब आमरण अनशन के रूप ले ही सबे। अपना का बता दई के सलगे मामला माही जानकारी देन गए कि उनके मांगन में कोनो ध्यान नहीं दीन जा लागा। आई अपनो सुनी आंदोलनकारी का बता रहे हम। यहाँ भी मध्य प्रदेश के तमाम जो भी अध्यापक संवर्ग था, उनको 1 जुलाई 2018 से शिक्षक संवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 4 वर्ष बीत गए, लेकिन रीवा जिले में लगभग, और सतना जिले में भी हैं, लेकिन रीवा जिले में लगभग 1200 ऐसे अध्यापक संवर्ग हैं जिनको अभी तक 4 साल में शिक्षक संवर्ग में शामिल नहीं किया गया। इनका कहना है कि ये लोकायुक्त प्रकरण में इनका नाम शामिल है। क्या इनकी मांग है, क्या आपने और ये इनके, ये सब हमारे आदरणीय हैं, शिक्षक हैं और समाज के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सबका आदर इन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, गुरुजनों की प्रतिष्ठा समाज से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है और हमारी भी, हमारा भी निर्माण किसी गुरु ने ही किया है, तो गुरु हमेशा पूजनीय है हमारे लिए, शिक्षक पूजनीय है, इसलिए वो उनकी समस्याओं के, जो भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं, लगातार बैठ रहे हैं। जिला के सिमरिया थाना के अतरैली माही एक सयान के शव घरे के थोड़े दूर में ही खेते बपरा मिला। जानकारी मिली कि सोमवार के रात ही घरे से शादी मजाय का कह के कढ़े रहे, जिसके बाद लौटबे नहीं भे। पुलिस बताइन के चंद्रपुर टोला अतरैली के रहैया सत्यनारायण पांडे के शव भाई रामानुज के खेत में ही बनी मेड़ के खाले परा मिला। ये एक सत्यनारायण पांडे जी हैं, लगभग 40 वर्ष की उम्र है इनकी, और इनका करीब परसों के दिन से लापता थे। कल इनका शव मिला है वहीं के पास के अंदर के इलाके में, जहाँ कोई रहता वहता नहीं है। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है, आवश्यक कार्रवाई करके जैसे तथ्य आएंगे पीएम के बाद वैसी कार्रवाई की जाएगी। बिजली के कटौती से परेशान हुए के प्रदेश स्तर में ही बिजली कार्यालय के घेराव कांग्रेस कार्यकर्ता करिन, जहाँ के कांग्रेसी कहिन के बिना जानकारी के बिजली के कटौती कीन जाला हिबे, उठपटांग बिजली के बिलाव दीन जाला हबे, वहाँ जरा ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाला गाय, जेके चलते जनता परेशान हबे। गामन से लेके शहर तक मां कांग्रेसी चिलचिलात घामे में ही धरना दिहिन। आई सुनी का कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। दी जाती है और हमें दी जाती है 10 रुपए। ये सुविधा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ऊर्जा प्लांट रीवा के अंदर, और उसकी बिजली 250 रुपया के रेट से दिल्ली को दी जाती है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे शहर के अंदर बीचों बीच पानी गया है, और पानी अगर देखा जाए तो समस्या बनी हुई है पूरे रीवा के अंदर, घरों में पानी नहीं पहुंचता। द्वारा प्रदेश स्तरीय आज विद्युत मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या क्या समस्याएं थी बताइए। घोषित बिजली कटौती बंद की जाए, अनाप शनाप बिजली के बिल बंद किए जाएं, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं, जिससे जनता को राहत मिले। आज यही 3 मुद्दे हैं, बिजली से लेके पूरा मुद्दा है। और बिजली विभाग के आज हमारे जिले में गली माने हर जगह, ग्रामीण इलाके में भी जहां बिजली के विद्युत वितरण केंद्र है, हर जगह कांग्रेस साथी 47 डिग्री टेम्परेचर में धरने में बैठे।
बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से अब है, जहां के बिलहा जलाशय के बांध के सलूस गेट के मरम्मत खातिर शासन के 36 लाख से अधिक के स्वीकृत योजना का मऊगंज विधायक भूमि पूजन करे पहुंचे तो उनके ऊपर बांध के अनदेखी के आरोप लगावागा। जैसन तैसन भूमि पूजन करे के बाद मऊगंज विधायक अपनी जिम्मेदारी से जीव छुड़ाए तो ठेकेदार सिंचाई विभाग के सहमा बांध के मरम्मत में लापरवाही करब शुरू कर दी। एक हाल के पूर्व जनपद सदस्य शेख मुख्तार का कह रहे हम अपनो सुनी। स्वीकृत हुआ लेकिन ये सिर्फ भूमि पूजन करने पहुंच गए, उसके उसका कारण ये हुआ इनका कोई योगदान नहीं था, इनका कहीं कोई योगदान नहीं, इनका भूमि पूजन करने में योगदान है। ये भूमि पूजन किए हैं, नारियल बोले हैं, जनता से बात भी नहीं किए, सीधे भाग गए वहाँ से। इनके भूमि पूजन को लेकर भी वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ विवाद हुआ था, गाँव के लोगों ने पूछा था कि आपने जब कुछ नहीं किया तो क्यों आए हो। ये तो सुखेंद्र सिंह बंद ने किया, इसी बात को लेकर वहाँ से भाग गए। अब उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू है लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है और ऐसा लगता है कि इस बरसात में भी नहीं बन पाए। काम वहाँ पे लगा है, काम लगा है, ठेकेदार जो है बहुत लापरवाह है और उसके साथ साथ इनके सिंचाई विभाग का जो अमला SDO और ई ये पूरी तरह से जो है उदासीन है काम के पर। रीवा से सतना के साथ है दूसरे जिला खातिर सूत्र सेवा बसन का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाए के रवाना करें। ये समय सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ है प्रभारी मंत्री वी साहूलाल और सलगए विधायक उपस्थित रहे। रीवा माही जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह कलेक्टर रीवा का पत्र सौंप के वृक्षारोपण करे वाले विभाग एजेंसी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करावे खातिर मांग करें। एक साथ है कहीं के विक्रमपुर से AG कॉलेज सड़क में दोनों किनारे में समाचार पत्रन माही ग्रीन एरिया बतावागा रहा और वृक्षण माही कौन अधिकारी कौन पेड़ का लगाई नहीं वह उनके नाम के कागज के बना बोर्ड लगवावागा रहा। पर बिना पानी और परवरिश के कारण ज्यादातर पेड़ सुखाए गए हम और खत्म होए के कगार में आए गए हाँ। ऐसे ने माही परवरिश की जिम्मेदारी जो ने विभाग और एजेंसी का दीन गए रही ओकर जाँच कराए के दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करावा जाए। ग्रीन एरिया के नाम पर विक्रमपुर से AG कॉलेज मार्ग पर जिला प्रशासन एवं पूर्व मंत्री सहित तमाम पुलिस के अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण विगत कुछ माह पूर्व कराया गया था और बकायदे प्लास्टिक की टी गार्ड लगाई गई थी लेकिन उनकी परवरिश नहीं हुई, उनको पानी नहीं दिया गया जिसके चलते अधिकतर वृक्ष सूख गए हैं जो एक ये गंभीर अपराध है। रीवा माही मई जून के महीना माही गर्मी में बेहाल राहगीर और श्रद्धालु का ही पानी पियाओ सबसे बड़ा पुण्य के काम आए। मानवता के सेवा से जुड़ी बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी शहर माही चिराहुला मंदिर के लगे पियाओ के शुभारम्भ करी नहीं बे। आज के बुलेटिन में इतने, बकेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बकेली समाचार। नमस्कार।